हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नेक्स्ट एपिसोड। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि दूसरे मास्टर केज की जो प्रोग्रेस जो है आपके साथ शेयर करूंगा, तो आज दूसरे मास्टर केज में मौजूद हैं। इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं कौन कौन से पेड्स ने क्या क्या ब्रीड करी, क्योंकि यहाँ पे जो लव बर्ड्स के पेड़ हैं इन पेड्स की ब्रीड कम ही आती है, ज़्यादातर फॉस्टर मैंने किए हुए होते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से बच्चे निकले हुए हैं और क्या प्रोग्रेस आई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये लॉटिनो का पेड़ है, इसके नीचे मैंने जो अंडे फॉस्टर किए थे। ये ब्लू फिशरी हैं जो कि अल्बाइनो टू पार ब्लू से निकली हुई हैं। अच्छा, ये दोनों जो है एक ही पेड़ के चिक्स हैं, इसमें से एक बच्चे के जो है डर्टी हेड आया और एक बच्चा जो है क्लियर हेड के अंदर आया। तो देख सकते हैं आप, ये एक ही पेरेंट्स के दोनों चिक्स हैं। तो ये दो बच्चे इसके निकले हुए थे, तीसरा बच्चा और था इसका, मैंने दूसरी जगह फॉस्टर कर दिया था मैंने। और ये तकरीबन सेल्फ के करीब हैं ये बच्चे भी, कुछ टाइम में ये बच्चे भी सेल्फ हो जाएंगे। ये जो है लॉटिनो का पेड़ है। इसके अलावा नीचे आ जाते हैं हम, यहाँ पे लव बर्ड का पेड़ है, इसके नीचे जो है मैंने ऑफलाइन के अंडे फॉस्टर किए थे, ग्रीन ऑफलाइन के। और अभी इसके जो बच्चे निकल चुके हैं, ये देख सकते हैं, इसके अभी बच्चे फ़िलहाल छोटे हैं, ये अभी पता नहीं चलेगा। जो ग्रीन ऑफलाइन का मेरे पास पेड़ है, उसके चिक्स मैंने जो है इसके नीचे फॉस्टर किए थे। इसमें से ग्रीन फिशर भी आ सकते हैं या ग्रीन ऑफलाइन भी आ सकते हैं, जो कि पॉसिबल इसके ब्लू होंगे। माशाल्लाह से पेड़ भी जो अच्छे बच्चों को पाल रहा है, ये आई थिंक जो है ग्रीन ऑफलाइन हो सकता है ये बच्चा। बाहर लेके जब इसके पर वगैरह आ जाएंगे फिर कंफर्म पता चल जाएगा। यहाँ पे एक और लवबर्ड का पेड़ है, ग्रीन पीच फेस लवबर्ड का पेड़ है। और इसके नीचे माशाल्लाह से जो है एक अल्बाइनो रेड आई का बच्चा है, यहाँ पे देख सकते हैं ये अल्बाइनो रेड आई है। इसके अलावा यहाँ पे जो है एक बच्चा डैकिनो का है, ये बच्चा डैकिनो का है। और एक बच्चा जो है इसका अपना है, जो कि इसका अंडा फर्टाइल हो गया था तो ये अपना बच्चा खुद पाल रहा है। ये पेड़ माशाल्लाह से जो है तीन बच्चे पाल रहा है। तो गैस, यहाँ पे कुछ चिक्स वगैरह हैं जो कि मैंने अपने लिए रोके हुए। इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न में मैं इनको अपने घर पे ब्रीड करवाऊँगा, जिसमें जो है डबल फैक्टर मिस्ट्री भी हैं, सिंगल फैक्टर मिस्ट्री भी हैं और पार ब्लू डबल फैक्टर मिस्ट्री हैं। बाकी कुछ पीस जो हैं अल्बाइनो रेड आई के हैं और डैकिनो भी इसके अंदर मौजूद हैं, क्रेमनो भी इसके अंदर मौजूद है। इंशाल्लाह कुछ चिक्स मैंने अभी रोक लिए अपने घर की ब्रीड के, और कुछ चिक्स वगैरह इंशाल्लाह मैं और अभी रोकूंगा। तो ये कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे जो है जो कमर्शियल बर्ड्स हैं या मिस्ट्री वगैरह हैं ऑफलाइन से, वो इंशाल्लाह अपने घर पे मैं ब्रीड करवाऊंगा। तो अभी कुछ चिक्स वगैरह इंशाल्लाह ये मैंने रोके, इनका बर्ड्स का डीएनए करवा लिया मैंने सबका, और इंशाल्लाह जो और चिक्स वगैरह रोक लूँगे वो भी इंशाल्लाह मैं रोक लूँगा। ये गाइस लॉटिनो का पेड़ है, इसके नीचे मैंने अंडे फॉस्टर किए हुए थे, डैकिनो का क्रिमनो का मेल था और डैकिनो की फीमेल थी, उसके मैंने अंडे फॉस्टर किए थे। इसका भी हैचिंग स्टार्ट हो चुकी होगी मेरे ख्याल से, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। असल में ये थोड़ा सा ये बॉक्स ऊपर लगा हुआ है। माशाल्लाह से जो है इसके दो बच्चे निकल चुके हैं और अभी जो है दो अंडे मौजूद हैं, जिसमें से एक में से एक और बच्चा निकलने वाला है, क्योंकि अभी जो है इसके अंडे में से जो है बच्चा निकलने वाला है, देख सकते हैं आप। और इसमें एक बच्चा रेड आई आया, एक बच्चा ब्लैक आई है, बाकी जो एक अंडा है उसमें से हैच होने वाला ही है इंशाल्लाह, रात तक में कल तक में इसमें से भी बच्चा निकल आएगा। ये लॉटिनो का पेड़ जो है बच्चे पाल रहा है। यहाँ पे जो है पेयर है वॉलेट पार ब्लू का मेल है और वॉलेट फिशरी की फीमेल है, जो देख सकते हैं फीमेल जो है बच्चों के साथ ही बैठी हुई है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की फीमेल है। और ये माशाल्लाह से जो है पांच बच्चे पाल रही है, जिसमें से दो बच्चे लव बर्ड से हैं, बाकी जो तीन बच्चे हैं वो इसके अपने, जिसमें से ये जो है ब्लू फिशरी निकले, ये देख सकते हैं आप। बाकी जो और दो बच्चे हैं वो भी मुझे जो है ब्लू फिशरी या वॉलेट फिशरी लग रहे हैं। और इसमें जो है एक बच्चा क्रिमनो रोजी गोली क्रिमनो का है और एक बच्चा जो है लव बर्ड का है। तो देख सकते हैं माशाल्लाह से एक क्रिमनो का बच्चा है, रोजी गोली क्रिमनो। ये लॉटिनो का पेयर है और इसके नीचे जो है मैंने पेल फेलो के अंडे फॉस्टर किए थे,
और इसमें से जो है बच्चे वगैरह निकल चुके हैं, जिसमें से देख सकते हैं आप माशाल्लाह से ये विजुअल ग्रीन पेल फेलो का बच्चा निकला हुआ है, जो कि स्प्लिट ब्लू या पार ब्लू होगा। ये विजुअल ग्रीन पेल फेलो का बच्चा है। इसके अलावा जो है इसमें से जो है और जो बच्चे हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें से ये एक बच्चा देख सकते हैं, ये पार ब्लू है, ये स्प्लिट पेल फेलो है। इसके अलावा जो एक और बच्चा है ये भी पार ब्लू है, ये स्प्लिट पेल फेलो है, देख सकते हैं आप। और इसके अलावा एक और जो बच्चा है ये जो है वॉलेट फिशरी है, काफ़ी अच्छे कलर में डबल फैक्टर वॉलेट फिशरी है, और ये जो है स्प्लिट पेल फेलो हो गई माशाल्लाह से। दूसरी ब्रीड में इसने चार बच्चे निकाले थे और ये सारे जो हैं एक विजुअल निकाले, बाकी तीन जो हैं ब्लैक आई निकाले, जो कि स्प्लिट पेल फेलो हैं। और माशाल्लाह से पेयर काफ़ी अच्छे बच्चों को पाल रहा है, चार बच्चे इसके, चार अंडे मैंने फॉस्टर किए थे, माशाल्लाह से चारों के चारों फर्टाइल हुए और चारों में से जो हैं बच्चे निकले। लॉटिनो का पेयर है और इसके नीचे जो है मैंने अल्बाइनो के अंडे फॉस्टर किए थे, माशाल्लाह से ये पेयर जो है चार अल्बाइनो के बच्चों को पाल रहा है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ बाहर निकाल के, ये देख सकते हैं माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा ये बच्चों को फीड करवा रहा है। ये चारों बच्चे अल्बाइनो हैं। ये लॉटिनो का पेयर है और इसके नीचे एक मैंने बच्चा क्रिमिनो का रखा हुआ था, एक अल्बाइनो का रखा हुआ था, लेकिन इस पेयर ने जो है इन बच्चों की काफ़ी ज़्यादा जो है प्लकिंग की है, और देख सकते हैं इन्होंने जो है बच्चों को क्या हाल कर दिया। तो बहरहाल ये पर वगैरह तो इनके आ जाएंगे, लेकिन इस पेयर ने काफ़ी ज़्यादा प्लकिंग करी है और देख सकते हैं सारे जो है इसके पर वगैरह खा गया है। इन बच्चों को फ़िलहाल ऐसे ही रख दूँगा मैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, इंशाल्लाह कुछ टाइम के बाद इन बच्चों के पर आ जाएंगे। और काफ़ी अच्छा बच्चा है ये अल्बाइनो का, देख सकते हैं काफ़ी अच्छे साइज़ में, लेकिन अभी इसकी प्लकिंग हुई हुई तो अभी आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा, जब इसके पूरे पर वगैरह आ जाएंगे फिर इंशाल्लाह आपको पता चलेगा बच्चे की क्वालिटी का। तो गाइस यहाँ पे जो है दो बच्चे हैं अल्बाइनो ब्लैक आई के, जो कि ये बच्चे जो है पॉसिबल स्प्लिटिनो के होंगे। इसके जो पेरेंट्स हैं अल्बाइनो ब्लैक आई स्प्लिटिनो थे और फीमेल भी अल्बाइनो ब्लैक आई स्प्लिटिनो थी, इसमें से दो बच्चे निकले, दोनों ब्लैक आई आए, ये पॉसिबल स्प्लिटिनो होंगे। तो गाइस जो मैंने आपको पेल फेलो का पेट देखा था, उसकी ये पहली ब्रीड के चिक्स हैं जो कि सेल्फ हो चुके हैं, इंशाल्लाह मैं इनको आज जो अलग कर लूँगा, जिसमें से देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त क्वालिटी का ये वॉलेट पार ब्लू है, जो कि स्प्लिट पेल फेलो है, ये फीमेल है, मैंने इनका डीएनए करवाया है। बाकी ये ब्लू फिशरी है जो कि स्प्लिट पेल फेलो है, ये जो है मेल है, इसका भी मैंने डीएनए करवा लिया है। और आज जो है मैं इन बच्चों को अलग कर लूँगा क्योंकि सेल्फ हो चुके हैं ये बच्चे, और इनके आप फिशरी मार्किंग देख सकते हैं माशाल्लाह से काफ़ी ज़बरदस्त क्वालिटी के पहली ब्रीड के बच्चे निकले थे। इनको जो है मैं अलग कर लूँगा इंशाल्लाह, इसमें से कुछ बच्चे मैं रोकूँगा, कुछ बच्चे जो है मैं सेल करूँगा। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, अगर पसंद आए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।